हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेम चंदेरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं खेत में हूं और ये देख रहे हैं कि खेत का जो धान जो है वे पूरी तरह से पक चुकी है और मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरे धान का क्या स्थिति हुआ है। जाके मैं भी अपना खेत में देखता हूं क्या स्थिति है मेरे धान की। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपना खेत पहुंच चुका हूं और मुझे लग रहा है मेरा खेत का जो धान है वो पूरी तरह से पक चुका है। मैक्सिमम 7 से 8 दिन और लगेगी, उसके बाद ये फिर इसको काटना पड़ेगा और इसके बाद जिससे धान निकलेगा। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पूरा खेत, आप देखिए। फ्रेंड्स, मैं पूरे नजदीक आ चुका हूँ अपना खेत के और मैं बालियों को देख रहा हूँ, जो कि बाली जो है पक चुकी है। तो जब फसल मेरी कटेगी तो मैं इसका वीडियो मैं डाल दूंगा और घर तक इसको कैसे लाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, मैं सारा इस वीडियो में आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो में फ्रेंड्स कंटिन्यू रहें और अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया आपको तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किसान की कितनी मेहनत लगी हुई होती है फसल को उगाने में और तब जाकर आपके घर के थाली में आपको खाने को मिलता है फ्रेंड्स। और अगर फसल का नुकसान होता है तो उसका भरपाई किसान करता है। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, कुछ कुछ यहाँ जो धान की जो बालियां हैं वे गिर चुकी हैं, देख रहे हैं ये पूरी बालियां जो है कि जमीन पे गिलेटी हुई है। मे भी अगर ज्यादा दिन तक रह जाएगी तो ये सड़ सकती है फ्रेंड्स और इसका पूरा नुकसान एक किसान को होगा। तो फ्रेंड्स, आप एक किसान का दर्द समझ सकते हैं।